हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मैं अभी बनाने वाली हूँ हस्बैंड के लंच के लिए राजमा चावल और चपाती। तो अभी फिर राजमा को रखते हैं हम उबालने। तो मैंने ये राजमा ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दिए थे, अभी मैंने इन्हें 4-5 बार वॉश कर लिया है। तो अभी इसे हम कुकर में डालते हैं। ये मैंने डाला। अब मैं इसमें डालूंगी पानी और साथ में इसमें हम डाल देंगे हल्दी, नमक और हींग। बॉइल करने के लिए जब तक मेरे राजमा बॉइल होते हैं तब तक मैं और तैयारी कर लेती हूँ, आटा लगा देती हूँ और चावल भी भिगोने लगते हैं। मैं उनसे यहाँ से थोड़ी देर में गाइस, अभी मैंने राजमा बॉइल करके रख दिए हैं तो, और मैंने आटा भी लगा दिया है, तो अब बनाते हैं चपाती। इसके लिए मैंने ले ली है आलू, जब तक मैं वेजिटेबल्स काटती हूँ कढ़ाई में रखते हैं गरम करने। इसमें डाल देते हैं पहले सरसों का तेल, अकॉर्डिंगली आप डाल देंगे आपको कितना चाहिए, कितनों के लिए आप पोहा बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सरसों का तेल डाल देंगे। अभी मैंने ऑनलाइन करना शुरू कर दिया है, तो वहां तक मैं वेजिटेबल्स लाइन चलते हैं। तो हम कुकर को फटाफट से बंद कर देंगे। मैंने गैस ऑफ कर दिया क्योंकि तेल ज्यादा गर्म हो गया था। इसमें डालेंगे हम राई। राई के बाद हम डालेंगे अपनी छोटी अपनी गैस। गैस का होते हैं कौन, इसलिए हम पहले डालते हैं मसाले, धनिया, हल्दी, नमक, और पचास चला देते हैं।
इसको अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। गैस अप करते हैं गैस को और इसमें पहले मैं ऑयल डाल देती हूँ राजमा चौकने के लिए। सरसों का तेल ही मैं यूज कर रहा हूँ। बन के अभी रेडी हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। सर्दियों में पोहा बनाने का यही फायदा है कि इसमें बहुत कलरफुल लगता है। गर्मियों में तो गाजर मटर आती ही नहीं है। आती है मटर, सफल मटर, लेकिन वो टेस्ट नहीं होता जो सर्दियों में जो मटर आती है उसका होता है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा पोहा बन के रेडी है। अभी मैं चाय बनाऊंगी। पोहा बनाने के लिए मैं ब्रेकफास्ट हो चुका है रेडी। तो मैं देख के आती हूँ वापस देखते हैं। इसके बाद हम डालेंगे
ये जो चॉप जो हमारे टमाटो और मिर्ची इसमें मैं डाल दूंगी हल्का सा नमक इसमें बॉइल करके मैं हल्दी डाल सकती हूँ और धनिया इसमें मैं डालूंगी कश्मीरी मिर्च कश्मीरी मिर्च से जो है टेक्सचर बहुत अच्छा आ जाता है पहले तो ये लगाई डाल देती हूँ फटाफट से डाल देती हूँ इसमें डाल दूंगी पानी डाल के इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि अभी काले लग रहे हैं बॉयल भी होंगे तो अब इसमें थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं इसी कुकर में मैं चावल बॉयल करने रख देती हूँ पहले मैं इन चावलों को वॉश करती हूँ गाइस यहाँ पे राजमा हमारे हो चुके हैं गैस को ऑफ कर देते हैं और इसमें डाल देते हैं जल्दी से हम इस टिफिन लंच बॉक्स लगा देते हैं क्योंकि आधा सा लगा थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में वीडियो बनाते बनाते और फिर आज ब्रेकफास्ट भी बनाया जब अलग ब्रेकफास्ट बनाओ ब्रेकफास्ट कुछ अलग बनाओ तो टाइम तो लगता ही है ऊपर से लाइट भी चली गई तो गैस पे ही सारा काम हो रहा है आज इसमें हम लगा देंगे राजमा इसको अलग निकाल देते हैं ताकि ठंडा हो जाए उसको हम रख देते हैं छोटे से राजमा को कर देते हैं काली धनिए से गाइस आप देख सकते हैं मैंने राजमा चावल और रोटी भी मैंने तैयार कर दी है और यहाँ मैंने हस्बैंड के लिए फ्रूट्स भी काट लिए हैं जिसमें मैंने एप्पल और किन्नू काटा है तो यही फिर वीडियो को एंड करते हैं गाइस तो आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तो टिल देन बाय बाय और अपना ख्याल रखिए आजकल कोरोना फिर से स्टार्ट हो गया है तो थोड़ी सी प्रिकॉशन हमें लेनी चाहिए और आगे देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में हम क्या करते हैं